अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसन जामिन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और बिजनेस कंसल्टेंट। अच्छा जी, मौका है आज खुशी का, और खुशी जो है अपनों से जुड़ी होती है और अपनों के साथ यादें जुड़ी होती हैं। तो यादें हम महफूज करते हैं, हमेशा कोशिश होती है कि यादों को जो ना महफूज किया जाए इस कैमरे की आँख से, ताकि हम जो ना दोबारा से इनको खोल के देख सकें और जो अपनों के साथ वक्त गुजरा होता है उसकी जो ना यादें तरोताज़ा कर सकें। तो इसी तरीके से आज बड़ा अच्छा मौका है, मेरे साथ जो ना बड़े मोजिज़ हजरात आज मौजूद हैं मेरे साथ, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले कि वो आए हमारे पास और बहुत दूर से आए। और इज्तिमा का सीज़न चल रहा है, और इज्तिमा के सीज़न के हवाले से जो यहाँ पर उनकी ट्रैवलिंग के विज़िट है, तो मेरे पास भी आए और मेरे खासम खास हमारे रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं हमारे, जो कि ताल्लुक़ रखते हैं बलोचिस्तान खुजदार से। मैं स्टार्ट ले लूँगा अपने ऑब्वियसली माजिद भाई के मामू हैं, तो हमारे भी मामू हैं अब्दुल गफूर साहब जी। जनाब, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लेते हैं और नाम ये खुद बताते जाएंगे। मैं इनके माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ, बल्कि मैं पहले इंट्रोडक्शन करा लेता हूँ, फिर इनके से जो ना कमेंट्स भी ले लेंगे हम। फिर उनके साथ बैठे हुए मैं डायरेक्ट अब्दुल हमीद, क्योंकि सीनियर टी वाइज जाऊँगा, बीच में बच्चे बच्चे हमारे भी हैं, उनका इंट्रोडक्शन कराऊँगा। अब्दुल हमीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपकी तशरीफ़ आवरी का, कि आप जो है ना हमारे घर पर तशरीफ़ लाए हैं, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पहली बार आया भाई, एक नया बूस्ट मिलेगा हमारे इस ताल्लुकात को और इस दोस्ती को और इस रिलेशनशिप को ना। उसके साथ बैठे हैं मैं यूनिस भाई। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बड़े अच्छे लगते हो, खूबसूरत लगते हो, आपको देख के ना दिल बना ही बाग बाग सा हो जाता है।